हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कार क्रैक पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा टियागो के फीचर्स या हिडन फीचर्स के बारे में कि क्या क्या गाड़ी ये अपने सेगमेंट में प्रोवाइड करवाती है, क्या क्या फीचर्स है जो इसके जो बेस से टॉप वेरिएंट सभी में आपको मिल जाते हैं, एंड कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बेस वेरिएंट में मिलेंगे एंड बाकी सारे फीचर्स हैं आपको वो आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाएंगे। तो आज हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टाटा टियागो लेने के लिए सोच रहे हैं या जिन लोगों के पास में टाटा टियागो है लेकिन उन लोगों को इसकी फीचर्स के बारे में पता नहीं है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम पर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना। तो आज हम बात करेंगे इसके पहले फीचर्स के बारे में जो कि इसके की से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसका लॉक है, ये अनलॉक है एंड ये बीच वाला जो बटन है ये इसका फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है। तो मेनली इसका यूज़ कब होता है, जब आपकी गाड़ी रात में किसी ऐसी जगह पर पार्क हो रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस वाला एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई है एंड रात का एरिया है, काफ़ी ज़्यादा डार्क नाइट है और आपको पता नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर रखी है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स हमारी गाड़ी ले जाते हैं एंड उसको कहीं पर भी पार्क कर देते हैं। तो रात को कैसे पता लगाएं हम कि हमारी गाड़ी कहाँ पर पार्क हो रखी है। तो मेन इस फॉलो मी हेडलैम्प का यूज़ जो है वो नाइट के लिए है कि जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। तो रात में इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी किस जगह पर पार्क हो रखी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़फुल फीचर है जो कि गाड़ी अपने सेगमेंट में प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप इसको दोबारा दबाओगे तो ये गाड़ी की लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपने रात में गाड़ी किस जगह पर पार्क हो रखी है। अब हम बात करेंगे कि अगर दिन का टाइम है, डे वाला टाइम है और सेम यही कंडीशन है कि आपने अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क कर रखी है या आपके कोई दोस्त कलीग अगर आपकी गाड़ी ले गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाले एरिया में आपकी गाड़ी पार्क कर दी, तो आपको दिन में कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर रखी है। तो उसके लिए भी ये गाड़ी अपना फीचर्स एक प्रोवाइड करवाती है। तो उसमें ये है कि अगर आप लॉक एंड अनलॉक ये दोनों बटन को अगर एक साथ में अगर आप प्रेस करोगे तो इस गाड़ी का जो हॉर्न है वो बीप करेगा। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये अगर आप लॉक एंड अनलॉक बटन को अगर आप एक साथ में प्रेस करोगे तो दोस्तों, अगर ये मैं लॉक एंड अनलॉक वाला दोनों बटन को अगर मैं एक साथ में प्रेस करूँगा तो ये गाड़ी का जो हॉर्न है वो ऑटोमेटिकली बीप करने लगेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो हॉर्न है वो बीप कर रहा है एंड जैसे ही मैं लॉक एंड अनलॉक में दोनों में से मैं किसी भी बटन को मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो हॉर्न है वो बंद हो जाएगा। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है डे के लिए, जो कि काफ़ी बार ऐसा हमारे साथ में होता है कि हम गाड़ी पार्क करके भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये इसका डे का इसका फीचर है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो अब हम बात करेंगे इसके थर्ड फीचर पे। तो अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी मेरी लॉक हो रखी है, जो कि मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी मेरी लॉक है। अब क्या हो कि अगर मैं गाड़ी को अनलॉक कर दूँ एंड 20 से 30 सेकंड अगर मैं गाड़ी को ना छेड़ूँ तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी है वो लॉक हो जाएगी अगर मैं इसके डोर को ओपन ना करूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी को मैंने अनलॉक कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके जो ORVM है वो अनफोल्ड हो चुके हैं। तो अब मैं ये जो चाबी है मैं इसके बोनेट पे रख देता हूँ। तो 20 से 30 सेकंड बाद गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो कि आपको अभी पता चल जाएगा वीडियो में कि 20 से 30 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लेगी ये एंड गाड़ी है जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी लॉक हो चुकी है।
जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा एक ये यूज़फुल फीचर है जो कि गाड़ी अपने सेगमेंट में प्रोवाइड करवाती है। तो मेनली ये इसके आउटडोर के सारे फीचर्स थे जो कि अभी तक मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर और बाकी जो फीचर्स हैं वो हम गाड़ी के अंदर उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं अब हम गाड़ी के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब बाकी के सारे जो फीचर्स हैं वो गाड़ी के अंदर हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। हालांकि जिन लोगों के पास में टाटा टियागो है तो उन लोगों को पता होगा कि इस गाड़ी के अंदर अनलॉक करने के लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं कि चारों पावर विंडो है एंड ये इसका डोर हैंडल है। तो आपको पता है कि इस गाड़ी के अंदर चारों गेटों को एक साथ में अनलॉक करने के लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप गाड़ी के चारों हैंडल को एक साथ में अनलॉक कर सकते हो। इन केस आपके, जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि मेरे जो डोर है वो लॉक हो चुका है चारों साइड से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो कि इसका जो डोर हैंडल है ये लॉक हो चुके हैं चारों के चारों। तो अगर अब आपका डोर हैंडल लॉक है और आपको एक साथ में ही, और आपकी गाड़ी चालू है, आपने रोकी हुई है और आपको एक साथ में ही चारों के चारों डोर हैंडल को अनलॉक करना है, तो आप क्या करोगे? तो ये वाला जो आप देख सकते हो डोर हैंडल है ड्राइवर साइड वाला, अगर आप इसको हल्का सा आगे की तरफ खींचोगे तो ये आपके चारों के चारों डोर हैंडल है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। एंड पूरा खींचने पर तो आपका ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा खींचोगे, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं ये देखो, तो ये मेरा अनलॉक हो चुका है एंड ये चारों के चारों गेट हैं ऑटोमेटिकली अनलॉक हो चुके हैं। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़फुल फीचर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने गाड़ी स्टार्ट की हुई है, आपको पता है, जैसे कि अगर मैं इसके गाड़ी में लगा दूं एंड आप देख सकते हो अभी मेरी गाड़ी चालू है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में फटाफट हम आते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं एंड हम चाबी निकाल लेते हैं इसकी। तो चाबी निकालने के बाद में अगर हमारा जो मिरर है अगर खुला रह जाए या हाफ ओपन रह जाए, तो हम चाबी निकालने के बावजूद भी जब तक हमारा ड्राइवर साइड वाला जो गेट है, अगर इस गेट को हम जब तक ओपन ना करें तब तक हम चारों विंडो हैं उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि चाबी अभी मेरे हाथ में है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जब तक मेरा ड्राइवर साइड वाला जो गेट है इसको मैं ओपन ना करूँ तब तक मैं ये चारों पावर विंडो है इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखो, ये मैंने इसको ओपन कर दिया एंड मैं अगर चाहूँ तो इस साइड वाला गेट भी, इसे भी मैं ओपन कर सकता हूँ एंड इसी तरीके से मैं इसके जो चारों विंडो है उसको मैं अपने इजीली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैंने अगर चाहूँ तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसका ड्राइवर साइड वाला गेट है अगर मैंने ओपन कर दिया, अब जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैंने खोल दिया तो अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक और इसका एक फीचर है कि चाबी निकालने के बाद भी हम इसके जो विंडो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगेन अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो भी विंडो से जुड़ा हुआ है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देख सकते हो कि पावर विंडो के साथ में आपको ये लाइट दिख जाएगी, ये लाइट मिल जाएगी आपको। बेसिकली इसका मेनली यूज़ क्या है, अगर ये लाइट जल रही है, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा लाइट जल रही है, तो ड्राइवर साइड के अलावा भी को पैसेंजर सीट पे या पीछे साइड में जो भी लोग वगैरह बैठे हैं तो वो अपनी अपनी साइड की पावर विंडो को अपने अपने वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं और आपके साथ में छोटे बच्चे हैं जो कि पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए
वो लोग विंडो ओपन ना कर पाए और आप चाहते हैं कि कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो आप लोगों के साथ में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अगर आप इस बटन को अगर आप प्रेस कर दोगे और ये लाइट बंद हो जाएगी, तो आपके अलावा कोई भी जो विंडो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपके ड्राइवर साइड में ही आप सारी विंडो को कंट्रोल कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी अपने साइड वाली विंडो को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसे ऊपर कर सकता है ना उसे नीचे कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ये बटन को मैंने प्रेस किया तो अब आप देख सकते हो कि ये लाइट बंद हो चुकी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड वाली जो विंडो है पावर विंडो, अगर इसके बटन को अगर मैं प्रेस करूं, जो कि अभी आप देख सकते हो कि इसका जो मिरर है ये लगा हुआ है, एंड जैसे ही अगर मैं अब इसको नीचे करने की कोशिश करूंगा तो ये नीचे नहीं होगी ना ये ऊपर होगी, तो इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो सेम ऐसा ही पीछे की दोनों सीटों के लिए भी है, जो कि पीछे की दोनों विंडो है उनके साथ में भी सेम यही फीचर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है जो गाड़ी अपने सेगमेंट में प्रोवाइड कराती है, कि ताकि आप लोगों के साथ में अगर छोटे बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं, तो कोई विंडो वगैरह अपने आप ओपन ना कर ले या विंडो के साथ में छेड़छाड़ ना करे, अपना हाथ अपना सर वगैरह बाहर ना निकाले, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है कि आप यहाँ से चारों की चारों विंडो को लॉक कर सकते हैं एंड उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगा। अब जैसे ही मैं इसको मैं ऑन कर दूंगा, अब जैसे देख सकते हो आप मैंने ऑन कर दिया, तो अब ये जो विंडो है ये इसका जो कंट्रोल है अब ये सब विंडो का या सब गेट का अपने अपने हाथ में आ जाएगा। जैसे कि अगर जैसे ही मैंने इसको मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि ये विंडो ओपन हो चुकी है एंड ये विंडो फिर से बंद हो गई है। तो दोस्तों ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है एंड होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड हम लोग अपने ही एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो ऐसा कोई भी इसके अंदर स्क्रिप्टेड नहीं है, नॉर्मली एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड प्लीज़ अपने भाई का चैनल है तो प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर में, जो कि मैं अब आपको दिखाता हूँ। इसका जो नेक्स्ट फीचर है जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊँगा कि जैसे ही मैं इसका वाइपर मैं ऑन करूँगा एंड मैं बैक गियर डालूँगा, तो इसका जो रियर वाइपर है जो कि आप देख सकते हो, इसका जो रियर वाइपर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो अब मैं इसका अगर वाइपर ऑन करूं, जैसे कि अगर आप देख सकते हो मैंने इसका वाइपर ऑन कर दिया, इसकी थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देता हूं वाइपर की, ये अब आप देख सकते हो कि मैंने इसका वाइपर ऑन कर दिया। लेकिन अब जैसे ही मैं इसका बैक गियर डालूंगा, जो कि अब मैं आपको दिखा देता हूं, अब जैसे ही मैं इसका बैक गियर डालूंगा तो इसका जो रियर वाइपर है वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है कि आपको रियर वाइपर के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप वाइपर ऑन करके आप बैक गियर डाल सकते हो तो आपका जो रियर वाइपर है वो ऑन हो जाएगा। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके नेक्स्ट फीचर के लिए, को ड्राइवर वाली साइड में। तो मेनली ये कोई फीचर नहीं है, एक हिडन सी चीज़ है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है या लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा हिडन हुक है जिसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो कि ये इसका छोटा सा हुक है जहाँ पर आप कोई भी अपना छोटा सा सामान लगेज वगैरह ये आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो मेनली इसका आप कोई भी अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से आप कोई भी इसका यूज़ ले सकते हो। तो ये इसका एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा एंड हिडन फीचर है ये इसका, जो कि शायद काफ़ी कम लोगों को पता है। तो इसे हम फिर से कर देते हैं बंद, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर में। तो दोस्तों अब इसके नेक्स्ट फीचर के लिए हम आ चुके हैं बैक सीट पर। तो काफ़ी लोगों को पता है कि इसकी जो बैक सीट है वो फोल्ड हो जाती है, ये वाला जो इसका पोर्शन है
ये फोल्ड हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी जो ये वाली सीट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इजीली निकल जाती है। जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहें और स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग अपना बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, जहाँ पर आप काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी या भारी सामान अगर आप रखना चाहोगे तो आप उसको इजीली रख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप गाड़ी की ये वाली जो सीट है इसको अगर आप फोल्ड करोगे, तो इसको फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा बूट स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है ना कि ये वाली जो सीट है इसकी, ये भी पूरी की पूरी निकल जाती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस सीट को मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं एक बार पीछे की जो डिक्की है उसे ओपन कर देता हूँ मैं, ताकि आप इजीली अच्छे से देख सको। अब अगर मैंने इसकी बूट स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने इसकी जो रियर सीट है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि इसकी ये जो सीट है, अगर आप दोनों साइड में ये वाले जो हुक हैं ये इस साइड में भी हैं एंड ये उस साइड में भी है हुक, अगर आप इस हुक को ऊपर की तरफ अगर आप खींचोगे तो ये इजी वे में आपकी जो सीट है ये फोल्ड हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे थोड़ा सा और बूट स्पेस बढ़ाना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप इसको एक बार फिर से सीधा कर सकते हो। एंड आपको गाड़ी के जो ये वाली जो सीट है इसके बीच साइड में आपको इसको यहाँ से पकड़ना है, एंड अगर आप इसको पकड़ के ज़ोर से ऊपर की तरफ अगर आप खींचोगे, जो कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि इसकी जो ये सीट है वो पूरी की पूरी फोल्ड हो सकती है। तो अब अगर इसकी ये सीट फोल्ड हो गई है, जो कि आपको अच्छा दिख रहा होगा, एंड अगर मैं चाहूँ तो इसकी ये जो पूरी सीट है इसको मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। तो अब मैं इसका जो बूट स्पेस है उसको काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से मैं यूज़ ले सकता हूँ। तो अगर आपके पास में कोई हैवी सामान है तो आप इजी वे में इस गाड़ी का बूट स्पेस बढ़ा के उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है। तो जो लोग टाटा टियागो लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम गाड़ी का बूट स्पेस भी ईजी से हम बढ़ा सकते हैं। तो एंड ये स्पेस आपको गाड़ी के बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक सब में मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। एंड ये गाड़ी के सारे कंप्लीट फीचर्स हैं जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के सारे फीचर्स। तो ये इस गाड़ी के बेसिक फीचर्स हैं जो कि गाड़ी अपने सेगमेंट में प्रोवाइड करवाती है, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है हमारे डेली रूटीन के लिए। तो जो लोग टाटा टियागो लेने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ वो लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें एंड ज़्यादा शेयर करें, या जिन लोगों को इन फीचर्स के बारे में पता नहीं है तो वो लोग इन फीचर्स का अच्छे से यूज़ ले सकते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन सब फीचर्स के बारे में पता नहीं होता, तो आज होप सो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से मैंने आपको आज सारे फीचर्स इजी वे में बता दिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना। एंड अगर आप और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस गाड़ी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे मेरे साथ में। मैं आगे बहुत ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं, जो कि गाड़ी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मायने रखते हैं वो। तो प्लीज़ दोस्तों, भाई को सपोर्ट करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।